इन प्रोडक्शन एनालिसिस टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमीज ऑफ स्केल वैन वी डील विद दिस टॉपिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द प्लानिंग सिस्टम दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ द आउटपुट हैज टू बी प्लेड बाय द प्रोड्यूसर और द एंटरप्रोन्योर और अगर दूसरे अल्फाज में हम कहें तो जब हम कहते हैं ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंशन और द स्केलिंग ऑफ द बिजनेस तो किसी भी बिज़नेस के लिए एंटरप्रेन्योर की हमेशा विश होती है कि वो उसको एक्सपेंड करे उसको बढ़ाए लेकिन यहीं पे हमारे लिए एक और भी चीज़ देखने की है कि क्या किसी भी बिज़नेस का मिनिमम से मिनिमम अमाउंट भी पॉसिबल है और उसी तरीके से कोई मैक्सिमम अमाउंट भी पॉसिबल है तो इन दोनों चीज़ों के इंटरप्ले में हमें एक ऑप्टिमल अमाउंट को देखना है एक ऑप्टिमल क्वांटिटी को देखना है तो व्हेन वी से इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल दैट और इट इज हैपनिंग तो इट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दैट फेज व्हेन विद द एक्सपेंशन और विद द इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ द बिजनेस द एवरेज कॉस्ट दे आर गोइंग टू डिक्रीज। और इन अदरवर्ड वी कैन से जब उसका प्रॉफिट मार्जिन एनहांस होना शुरू हो जब उसकी एवरेज कॉस्ट विद द एक्सपेंशन डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि येस नाओ

इकोनॉमी के हवाले से अगर हम देखें तो एक कंट्री की इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है लेकिन उस इकोनॉमी में बहुत लेवल पे फॉर्म्स या दूसरे सिस्टम बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं और उनमें नेचर ऑफ़ बिज़नेस भी वेरी कर रहा होता है तो कीपिंग इन व्यू दैट नेचर ऑफ़ द बिज़नेस और नेचर ऑफ़ द प्रोडक्शन हमें यह देखना पड़ता है कि कुछ बिज़नेस के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट और साइज़ के बगैर मुमकिन हो सके जिस तरह अगर हम देखें एक स्टील बनाने की अगर फॉर्म लगेगी तो ये मुमकिन नहीं है एक वो छोटे से कमरे में हम कहें कि थोड़ा सा स्टील प्रोड्यूस करना है थोड़ा सा लोहा लिया छोटी सी फर्नस हो वो उसको पिघला ले क्योंकि उसका एक बड़ा सेटअप रिक्वायर्ड है उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है इसी तरीके से कुछ चीज़ों के लिए अगर हम देखें तो वो बहुत स्मॉल लेवल पे उसका काम हो सकता है लेकिन कुछ के लिए उसका बिजनेस का सेटअप ही रिक्वायर करता है कि वो उस एक ऑप्टिमल साइज़ पे आए एंड दैट साइज और दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द इनडिजल कॉस्ट और इनडिविजल कॉस्ट इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड विद दैट इनपुट कॉस्ट दैट कैन नॉट बी हैव प्रोडक्शन सेटअप अप अपटिल इट इज़ नॉट मेट बाय द एंटरप्रन्यर और अगर मैं कहूँ दूसरे अलफाज में कि एंटरप्रेन्योर वो बुनियादी तौर पर इंडिविजिबल कॉस्ट जिसको हम मज़ीद कम ना कर सकें तकसीम ना कर सकें वो वाली कॉस्ट लगाए बगैर मुमकिन ही नहीं है कि वो प्रोडक्शन को हासिल कर सके तो कोई भी फर्म जिसको एफिशिएंसी अपनी अटेन करनी है ऑप्टिमल लेवल पर जाना है तो उसके लिए ये नामुमकिन है कि वो इंडिविजल कॉस्ट को मीट किए बगैर आगे जा सके और जब हम इस इनडिविजिबल कॉस्ट के हवाले से बात करेंगे टेबल में तो हम कह सकते हैं कि शुरू में जो कॉस्ट ज़्यादातर उस बिज़नेस को सेटअप करने में लग रही होती है वो उसकी एक रिक्वायर्ड होती है एंड आफ्टर दैट क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट वंस इन्वेस्ट हो चुकी होती हैं और अब जो नेक्स्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होनी है वो ज़्यादातर वेरिएबल कॉस्ट की हो रही होती है तो एक ऑप्टिमल अटेनमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ इनिशियल कॉस्ट वंस इन्वेस्ट करनी है अभी इस टेबल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्वांटिटी और ये क्वांटिटी रिलेटेड टू हमारे पास आउटपुट के हवाले से आ रही है इस एग्जांपल में हम कहते हैं कि आउटपुट इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड लाइक वाइज कहीं पर भी प्रोडक्शन एक एंटरप्रन्योर कर रहा है और ये उसके हम अगर कहें तो एक साइड पर मीटर्स ऑफ क्लॉथ भी हो सकता है थाउजेंड टन ऑफ व्हीट भी हो सकती है एंड लाइक वाइज एनी टाइप ऑफ द आउटपुट अब इसमें हम हम देखें तो हमारी टू टाइप्स की कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही हैं हेयर दिस इज द कॉस्ट रिलेटेड टू द लेबर तो इट मीनस इट इज वन वेरिएबल इनपुट एंड वेन वी से द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इट मीन मशीन के ऊपर भी मुख्तफ किस्म की कॉस्ट लग रही है कि उनका लुब्रिकेशन भी हो सकती है ये मशीन की कुछ और परचेजेस से रिलेटेड भी हो सकती है और मशीन के मेंटेनेंस भी हो सकती है वट एवर तो बट नाउ दीज टू टाइप्स ऑफ द कास्ट दे आर इन्वॉल्व इन अडिशन टू द फिक्सड कॉस्ट अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को एक एज ए फिक्स्ड फैक्टर ले लिया है और वह कहीं हिडन भी हो सकता है या अगर हम उसको कहें कि यहाँ पे हमारी एक फिक्स कॉस्ट है क्योंकि उसने टोटल में कहीं पर भी जब जाना है तो वह एक सेटअप हो सकती है अब जो चेंज हो रही है वो सिर्फ हो रही है लेबर प्लस मशीन एंड फॉर दिस यूनिट ऑफ आउटपुट हम कहते हैं कि हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर और टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन को जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो सिक्स थर्टी फाइव यूनिट जो है वो हमारे पास आई है एंड लाइक वाइज वेन द इनपुट इज़ गोइंग टू इंक्रीज देअर इज़ इंक्रीज इन दीज टू वेरिएबल इनपुट्स एंड फॉर दीज इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट्स उनके यूनिट्स के इंक्रीज होने से उनकी कॉस्ट बढ़ रही है और इसी तरीके से यहाँ से अगर हम देखें तो उनकी कॉस्ट के ऊपर जो अखराज हो रहे हैं वो बढ़ते चले जाते हैं लाइक वाइज जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ रही है अब जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई द आउटपुट तो हम अगर देखें तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रही है बट वेन वी डिवाइड दिस बाय द अमाउंट ऑफ द आउटपुट देन दिस चेंज इन द एवरेज टोटल कॉस्ट इज समर्क लेस फ्रॉम फिफ्टी एट से अगर हम देखें ये कभी फिफ्टी फोर हुई फिर फिफ्टी टू फिर फिफ्टी एंड लाइक वाइज और एक पॉइंट के आने के बाद ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये उसका ऑप्टिमल और द मिनिमम पॉइंट था और उसके बाद ये वाला एक पार्ट आता है जब ये दोबारा इंक्रीज होती है और यहाँ पे अगर देखें तो ये डिक्रीजिंग था तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस पार्ट इट शोज के एवरेज टोटल कॉस्ट वाज डिक्रीजिंग एंड दिस पार्ट इट शोज दैट हेयर इट इज मिनिम एंड देर इज नो चेंज और ये जो थर्ड पार्ट है इसमें ये अगेन एवरेज कॉस्ट जो है ये हमारी इंक्रीजिंग होना शुरू हो जाती है अब अगर हम प्रोडक्शन के ये तीनों फेजिज को ग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेन करें तो इट कम्स लाइक दिस तो अब अगर हम उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने जो दोनों पॉइंट्स को देखें तो हम एक्स uh, एक्सिस पे हमने ये तमाम पॉइंट्स ऑफ आउटपुट को शो किया है एंड फॉर ईच रिस्पेक्टिव यूनिट ऑफ आउटपुट वी हैव पुट द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट हेयर ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड नाउ व्हेन वी प्लॉट वी कैन सी कि ये वो जो हमारा डिक्रीजिंग कॉस्ट वाला पार्ट था वो यहाँ तक आया ये वो पार्ट है जब हमारी एवरेज कॉस्ट वॉज टैगनेंट और इट वॉज नॉट चेंजिंग एंड इट वॉज द मिनिमम एंड इट इज़ द थर्ड पार्ट वेन वी कैन सी इट वॉज इंक्रीजिंग अब अगर हम इसमें देखें तो एक वो पॉइंट जिस वक्त जो हमारी प्रोडक्शन में बढ़ने के साथ मीन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन हो रही है वो एक्सपेंशन कहाँ से हमें नज़र आएगी वैन वी कैन सी दैट द आउटपुट इज गोइंग टू इंक्रीज तो थ्रू आउट दिस प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन अ पॉइंट विल कम वेन वी कैन से दैट द मिनिम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन मीन द मिनिमम efficient लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल बी दैट जब हम देखेंगे कि इसकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे आ गई और वो इंक्रीज हुई और उसके बाद वो ये उसका लोएस्ट पॉइंट है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ इसीलिए यह मिनिमम एफिशियंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन रहा अब अगर तो ये एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो इसके बाद यहीं से प्रोडक्शन इस तरीके से जाना शुरू हो जाती तो हम कहते हैं कि उसकी डिस इकोनोमीज य से शुरू हो गई है लेकिन अगर हम अब यहीं पे देखें तो बिकॉज दिस मिनिमम एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इट इज गोइंग टू प्रोलोंग फॉर दिस फेज टू दिस फेज दिस इज द मोस्ट डिजायर्ड पाथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर जब वो कहता है कि वो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल पे है और वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को जो अपनी एंजॉय कर रहा है और यहाँ पे उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो रही है तो वी कैन से कि परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स में अगर हम देखें तो मिनिमम एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन किसी भी फर्म के लिए वो उसकी मार्केट का एंट्री का बेस्ट पॉइंट होता है और ये वो पॉइंट होता है जब उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो लोएस्ट लेवल पर होंगे Thank you.